हम अली वाले सुन ले ये जमाने वाले, हम अली वाले सुन ले ये जमाने वाले, खाक हो जाएंगे खुद हमको मिटाने वाले। परचमे हजरत अब्बास उठाने वाले, बस अली का साथ हमको दो जहां से प्यारा है, बस अली का साथ हमको दो जहां से प्यारा है, ये है तो सब हमारा है। बस अली का साथ हमको दो जहां से प्यारा है, ये है तो सब हमारा है। बस अली का साथ, बस अली मा
मुश्किलें मेरी पड़ जाए मुश्किल में, मुश्किलें मेरी पड़ जाए मुश्किल में, कश्ती से तूफान जो टकराए तो खुद ही डूब जाए। ओ, मेरी कश्ती पर अली मुश्किल कुशा का साया है। मेरी कश्ती पर अली मुश्किल कुशा सर बताएं कि आज का जो दिन मनाया गया है कहाँ कहाँ मनाया गया और आज के दिन की क्या फजीलत है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहायत ही खुशी और शादमानी का आज ये दिन है, आज मौका है कि आज मौला अली शेर खुदा की यौमे शहादत का दिन था और आज ये शहर मकराना में कदीमी रिवायत के मुताबिक यहाँ की 5 मस्जिदों में ये आज हुजूर मौला अली शेर खुदा की याद में ये रोज़ा इफ्तार का अहतमाम किया गया, लंगर का अहतमाम हुआ है। गोड़ाबास की आलमगीर मस्जिद जिसमें हम यहाँ आज भी बैठे हैं यहाँ ये अहतमाम हुआ। इमाम अली मकाम मस्जिद गोड़ाबास जो है उसमें भी अहतमाम हुआ। लगन शाह की मस्जिद में भी अहतमाम हुआ, कलंदरी मस्जिद में भी अहतमाम हुआ और मदीना मस्जिद में भी अहतमाम हुआ। माशाल्लाह ये सभी इन मस्जिदों की जो काबीना है और वहाँ के जो इमाम हैं वो मुबारकबाद के हकदार हैं। ये फ़कीर उनको मुबारकबाद देता है कि उन्होंने ये अहतमाम किया और सरकार मौला अली शेर खुदा की शान मोहताज तारुफ नहीं है। सरकार की शान मैं फ़कीर क्या बयान कर सकता हूँ। हुजूर के हम सब गुलामाना गुलाम हैं, पूरी विलायत के आप बादशाह हैं। जहाँ से विलायत की शुरुआत होती है हर घर में हर खानका को मौला अली शेर खुदा का सदका मिलता है। तो और ये प्रोग्राम माशाल्लाह किया करना चाहिए और शहर मकराना की और दीगर जो मसाजिद हैं मेरी ख्वाहिश है और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आने वाले साल वहाँ की काबीना को भी अल्लाह ताला ये हिदायत दे कि वो लोग भी जो है मौला अली
शेर खुदा की याद में रोज़ा इफ्तार करवाएं, लंगर का अहतमाम करें और जितनी भी इस दिन में और इस रात में इबादतें हो सकती है अल्लाह ताला की बारगाह में वो कर अल्लाह सुब्हान तआला से अपने गलतियों की अपने गुनाहों की तौबा करें, उनके वसीले से जो है अल्लाह से अपनी माफ़ी तलब करें। और ये जो रमज़ान मुबारक अल्लाह ने हमें अता फरमाया बड़ा एहसान है उसका, फ़कीर दुआ करता अल्लाह ताला हमें आने वाला रमज़ान भी अता करे और जो ये आखिरी अशरा चल रहा है निजात का इसमें अपने गुनाहों से माफ़ी के लिए, अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए, अपने जहन्नम की आग से निजात के लिए अल्लाह की बारगाह में मौला अली शेर खुदा का वसीला देके दुआ करें कि अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके और मौला अली के सदके पाक पंजतन पाक के सदके हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमारे इस शहर में अमन रहे, सुकून रहे, मोहब्बतें रहें, भाईचारगी रहे, हमारा मुल्क तरक्की करे, शहर मकराना तरक्की करे। बस फ़कीर यही दुआ करता है, अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। और एक बार फिर मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ये प्रोग्राम किया, अहतमाम किया, बहुत ही अच्छा है, इससे ज़्यादा होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि अल्लाह ताला सबको इसके अज़ौक और शौक़ पैदा करें।